हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माई एसक्यूएल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माई एसक्यूएल की। माई एसक्यूएल में खास क्या है, क्या सिखाने वाला हूं, आइए आपको बताता हूं। यहां से सबसे पहले माई एसक्यूएल को ओपन कर लेते हैं और फिर आपको बताता हूं कि आज हम क्या सीखेंगे। तो ये कमांड लाइन ओपन करते हैं और यहां से मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूं, जो भी मेरा पासवर्ड है रिलेटेड पासवर्ड उसको एंटर करना होगा। तो यहां पे ये एंटर कर दिया हमने और ये आ गया है। अब यहाँ पर हमने एक डेटाबेस बनाया था स्टूडेंट डी नाम से, तो हम उसी डेटाबेस का यूज करेंगे। तो यहाँ पे पहले से बना हुआ है डेटाबेस, तो यहाँ लिखेंगे यूज स्टूडेंट डी, यानी स्टूडेंट के डेटाबेस का यूज करेंगे हम, स्टूडेंट डी करेंगे इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर देखिए डेटाबेस चेंज हो चुका है और अब यहाँ पर हम देखेंगे स्टूडेंट टी वाले टेबल के बारे में। तो यहाँ पे एक कीवर्ड लिखता हूँ DESC और यहाँ पर स्टूडेंट टी लिखता हूँ। स्टूडेंट टी इसी डेटाबेस के अंदर बना हुआ है, तो इसके अंदर क्या क्या डेटा टाइप दिए गए हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं रोल नंबर को इंटीजर डेटा टाइप रखा गया है, कोई प्राइमरी की नहीं बनाई गई है। नेम ऑफ स्टूडेंट को कैर डेटा टाइप रखा गया और क्लास को भी कैर डेटा टाइप रखा गया है। तो क्या डेटा टाइप चेंज हो सकता है, क्या पॉसिबल है ऐसा, तो चलिए आइए चेक करते हैं, जानते हैं कि डेटा टाइप चेंज हो सकता है या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर देना होगा आपको अल्टर दे दिया और यहाँ पर टेबल। अब टेबल का नाम देना है, जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट टी दिया हुआ है नाम हमने, तो ये स्टूडेंट टी वाले टेबल में ही कुछ अल्टरेशन करना है हमें, तो ये हमने दे दिया, ठीक है। हमें क्या करना है, सिंपल वे में यहाँ पर मॉडिफाई लिखना है, मॉडिफाई, तो ये लिखा मॉडिफाई। अब हम किसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, कौन सा ऐसा है इसमें जिसको हम मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो हम नेम ऑफ स्टूडेंट को मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो ये लिखा नेम ऑफ स्टूडेंट, कुछ इस तरीके से लिख दीजिएगा आप भी नेम ऑफ स्टूडेंट। और जैसे ही नेम ऑफ स्टूडेंट लिखते हैं तो यहाँ पर आपको डेटा टाइप मेंशन करना है, तो यहाँ पर अब मैं कर देता हूँ वेयर कैर, तो ये डेटा टाइप अब मैं लगा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, तो ये 50 कैरेक्टर्स इसमें आएंगे, तो ये हमने दे दिया। और यहाँ पर इसको टर्मिनेट कर दिया और टर्मिनेट करके एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये जो है यहाँ पर मॉडिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है। और अब अगर हमें देखना है टेबल तो वापिस से DESC इसका यूज करेंगे और टेबल का नाम था स्टूडेंट टी, तो ये स्टूडेंट टी हम दे देंगे और यहाँ से क्या करना है आपको टर्मिनेशन देना है, तो बस आपको नजर आएगा। अब देखिए यहाँ नेम ऑफ स्टूडेंट जो कैर डेटा टाइप था वो बन गया है वेयर कैर और 50 कैरेक्टर्स इंक्लूड हुए हैं इसमें, देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी कि अगर आपको डेटा टाइप चेंज करना है तो कैसे चेंज कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा से दिखाता हूं, मैं रोल नंबर का डेटा टाइप इंट है, इसको मैं कैर बनाने वाला हूं। कैसे बनाएंगे, फिर वही तरीका, सेम वही प्रोसेस हमें फॉलो करना है, ठीक है। तो बहुत ईजी है, बहुत आसान है। यहां पर लिखिएगा अल्टर टेबल, तो जिस भी टेबल को आप अल्टर करना चाहते हैं उसका नाम यहां आएगा, तो स्टूडेंट टी था मेरे केस में, तो ये स्टूडेंट टी दे दिया। यहां पर मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई, तो ये मॉडिफाई दे दिया हमने। और मॉडिफाई लिखने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल वे में वो फील्ड नेम टाइप करना है जो कि आपको मॉडिफाई करना है जिसका डेटा टाइप। और यहाँ पर न्यू डेटा टाइप क्या देना चाहते हैं, अभी तो इंट है लेकिन मैं यहाँ देना चाहता हूँ कैर और इसकी साइज रखूंगा 5। और ये हो गया हमारा काम, बहुत आसान, टर्मिनेट किया और एंटर किया, मॉडिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। सक्सेसफुल होने के बाद अब इसको देख लेते हैं, DESC यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर किसको हमने मॉडिफाई किया था, अब टेबल का नाम हम दे देंगे सीधा सीधा, ये दे दिया और यहाँ टर्मिनेट करके एंटर किया। अब देखिए रोल नंबर का डेटा टाइप चेंज हो गया है, कैर हो चुका है। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ आप डेटा टाइप मेंशन कर सकते हैं, दे सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आई होप की बात समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।